पानीपत में इन दिनों प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जमकर नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं और लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ताजा मामला पानीपत के संजय चौक के पास से सामने आया है, जहां पर निजी बस चालक बिना परमिशन के सवारियों को पानीपत छोड़ने के लिए जा रहा था। बात कैमरे के सामने खुद बस चालक ने कबूली। उसने बताया कि उसके पास बस में बिठाने के लिए 75 सवारियों की परमिशन होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बस में 100 से अधिक सवारियां भरकर दूसरे प्रदेश में ले जाते हैं। ऐसे में उन पर कार्यवाही करने वाला कोई नहीं मिलता। यह निजी बस संचालकों के लिए कोई नई बात नहीं है, वह हर रोज बगैर किसी परमिशन के नियमों को ताक पर रखकर सवारियों को ले जाते हैं। ऐसे में कोरोना महामारी लगातार फैल रही है, हर दिन प्रदेश भर में सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं, लेकिन प्रशासन भी लापरवाह है। सड़कों पर बेखौफ दौड़ने वाले यह निजी बस संचालक अपनी जेब गरम करने के लिए लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। हजारों किलोमीटर का रोजाना आवागमन हो रहा है और वहीं प्रशासन आंखें बंद करके तमाशा देख रहा है। पानीपत औद्योगिक नगरी में मजदूरों का पलायन जारी है, वहीं बस संचालक मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठा उनसे मनमाना किराया वसूल रहे हैं और बगैर परमिट के संख्या से ज्यादा सवारी बैठा उन्हें यूपी बिहार पहुंचा रहे हैं। ताजा मामला सामने आया जिसमें बातचीत के दौरान खुद बस चालक ने कबूल किया है कि उनके पास गोंडा जिला उत्तर प्रदेश का परमिट भी नहीं है, किसी के पास मास्क नहीं, ना ही बस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, जबकि सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की जा रही है, लेकिन वहीं सरकार के नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। उधर बातचीत के दौरान मजदूर ने बताया कि पहले के मुकाबले प्राइवेट वाहन उनसे ज्यादा किराया वसूल रहे हैं। गोंडा जा रही है सर, सवारी जो भी होगी 90-100 करीब में है। कितना किराया ले रहे हो? कोई 950-1000। आपके पास यहाँ से गोंडा जाने का परमिशन लेटर है क्या? नहीं। तो कैसे लेके जा रहे हो? अरे वो तो मालिक का काम है, हमारा तो है नहीं, हम तो नौकरी कर रहे हैं। नहीं, परमिट तो होगा ना यहाँ से ले जाने का? नहीं जी, हमारे पास कोई परमिट। कितना किराया है वैसे यहाँ से गोंडा जाने का? सर यहाँ से गोंडा के लिए कोई गाड़ी है नहीं, अगर रोडवेज के जरिए जाओगे तो लखनऊ तक का 800-850 रुपये किराया है और लखनऊ से आगे 150 रुपये लगता है, तो किराया वही है। इसमें है 75 की पासिंग है। हाँ 90-100 के लमसम में है, जब इलेक्शन का समय है प्रधानों ने गाड़ी बुक करवा रखी है, तो कोई किसी का प्रधान का है, किसी का होटल का है। टोटल कितनी बसें लेके जाते हो रोज यहाँ से? एक जाती है हमारी डेली। डेली एक जी? और वहाँ से भी एक जाती है किसी? वो हमारी नहीं, वो बाराही वालों की। इसलिए भी जा रहे हैं। आप कहाँ? बसें नहीं मिली, मैं कहाँ जाऊँगा फिर? मैं तो घर वापस जा रहा हूँ। अब बस नहीं मिल रही इनको, सवारी ने आज बोल रहा है इसमें। अच्छा, कहाँ जाना था आपको? गोंडा। इसलिए जाना था? शादी है। अच्छा, तो फिर कब जाओगे? अब देखेंगे, कल कल मिलेगी तो। नहीं, कभी ये सोच रहे लॉकडाउन लग जाए इसलिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम तो घर यहीं के रहने वाले हैं, 45 साल हो गया, अपना घर द्वार यहीं बना हुआ है, सब कुछ है, नात रिश्तेदार वहाँ शादी शुदी में तो जाना पड़ता है, यही चक्कर से है। नाम क्या है? राम निवास। पहले तो 600 रुपये था, अब 1000 लेने लग गए। रुपये क्यों ले रहे हैं? अब पब्लिक सब अपने अपने काम के लिए घर जा रही है, किसी के घर शादी है, किसी के घर खेती का काम है, अब वोटिंग वोट भी पड़ने वाली है, इस वजह पब्लिक ज़्यादा हो गई तो ये 1000 रुपये मांग रहे हैं, 1000 से कम नहीं ले रहे। सर किसी से पूछ लो। कितना किराया दे रहे हो आप? सर वैसे तो हम 800 रुपये दे रहे हैं और हमारा शुरू से 800 रुपये चल रहा है, बस यही है कि थोड़ा किसी का 850 ले रहे हैं, किसी का 900 ले रहे हैं, ये किराया ले रहे हैं। इस टाइम किराया लगता कितना है? किराया वैसे 800 ही चलता है। पहले के मुकाबले और आज के मुकाबले एक साल हो गया, किराया यही चलता है, 850-850 यही किराया चलता है शुरू से, और आज भी यही किराया पड़ रहा है हमारे पास। बस वाले वहाँ आने जाने का तो मेरे ख्याल पहले तो 600 रुपये लेते थे, 600 रुपये, और मेरे ख्याल 1000 ले रहे हैं। बढ़ा क्यों दिया मर्जी, लोग ढोन को जब बढ़ा रखे हैं, किससे बढ़ा रखे हैं, तो इनको पता होना चाहिए ना जी। तो इतना किराया क्यों ले रहे हैं? सर एक बार अंदर बैठे कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा जी। हम
हजार दिया कि नहीं? अगर हजार देना है तो बैठो नहीं तो जाओ वापस। भीड़ में भी जा रहे हैं आप लोग, मना नहीं कर? भीड़ में मैं यानी जाना तो शादी है ना, शादी घर में पड़ रही, तो शादी के लिए हम तो जा रहे थे, तो ऐसे नहीं हमारे तो कोई सीटें नहीं मिली, बस में जगह नहीं है, फिर हम उल्टा जा रहे हैं अपना घर वापस। अब इसके लिए हम क्या बता सकते हैं जी, कौन करने वाला है कार्रवाई? आप ही कर रहे हो, आप ही क्या करोगे, कहाँ भेजोगे आप? हनीफ अपने हम तो रहते हैं 15-20 साल हो गए। अच्छा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। घर कहाँ? गोंडा। किस लिए जा रहे हैं? अरे किस लिए जाया जाता है? नहीं, घर ये जो महामारी फैल रही है इसके चक्कर में तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पिछले लॉकडाउन में तो हम यही थे। हाँ, गोंडा जा रही है। गोंडा जा रही है। क्या काम करते थे यहाँ? यहाँ दुकान पे काम करते थे। गोंडा किस लिए जा रहे हैं? जा रहा हूँ, कुछ घर का भी काम है, खेती बाड़ी का काम है, इसलिए जा रहे हैं। काली प्रसाद, काली प्रसाद शिव कुमार। 800 रुपए पहले कितना लेते थे? पहले 600 रुपए चल रहा था, अब जितना भीड़ होती सीट भी नहीं देते किसी को, जहाँ पहले 4 आदमी बैठते थे अब 8 आदमी बिठा रहे हैं, किराया भी ज़्यादा ले रहे हैं। एक दिन पहले बुक कर लेंगे, उसके बाद जो बंदा लेट हो जाएगा बोलेगा सीट नहीं है। कितनी बसें जाती हैं? एक यहाँ इनकी जाती है, एक आगे वहाँ जाती है, बारह ही की रोज जाती है। रोज जाती है, डेली डेली ऐसे ही पेट में बैठा, ऐसे ही भेजते हैं डेली। पैसे भी ज़्यादा ले रहे हैं? पैसे भी ज़्यादा ले रहे हैं, फिर प्रशासन अगर क्या प्रशासन अपना कमीशन लेकर अपना बगल हो जाती होगी, क्योंकि ये तो सरकार को खुद देखना चाहिए था ना कि बस कितनी ओवरलोड जा रही है। जो 60 आदमी की सीट है उस पर 100 आदमी 145 आदमी लेके जा रहे हैं। क्या नाम आपका? विनय कुमार। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।